संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र में 18 सितंबर को 16-17 साल की नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया, मगर वो खुलासा क्या था इससे पहले पूरा माजरा समझिए। कैला देवी थाना क्षेत्र में 18 सितंबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं उसके परिजन विलाप कर रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 सर्विलांस टीमें और सीसीटीवी टीम को तैनात किया गया। परिजनों ने 2 लोग रिंकू और पप्पू के खिलाफ शिकायत दी। जिन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया उनसे पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ में सामने आया कि वे दोनों मौके पर मौजूद नहीं थे। अब पुलिस सदमे में आ गई। परिजनों ने जिन 2 लोगों के खिलाफ शक जताया था वो अगर वहां नहीं थे तो फिर वहां था कौन। धीरे धीरे पुलिस ने परिवार वालों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी और फिर पूछताछ में जो सामने आया वो सबके होश उड़ा देने वाला था। परिजनों ने बताया कि रिंकू का उनकी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था और एक बार रिंकू उनकी बहन को लेकर भाग भी गया था। इसको लेकर उन्होंने गाजियाबाद में केस भी दर्ज कराया था, जिसमें रिंकू को जेल भी जाना पड़ा। अपने परिवार की बदनामी के डर से माँ ब्रिजवती ने अपनी बेटी और विनीत और नीरज ने अपनी सगी बहन की हत्या की योजना बना डाली। योजना क्या थी जरा वो भी जान लीजिए। भाई विनीत अपने मामा महावीर के साथ आया और दूसरा भाई नीरज अपनी माँ ब्रिजवती के साथ बाइक पर जा रही बहन को गोली दाग दी। गोली मारने के बाद जब बहन की मौत हो गई तो इल्जाम उसके आशिक रिंकू पर मढ़ दिया। उक्त घटना में प्रयुक्त 32 बोर के पिस्टल व 2 कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। उक्त घटना में 2 भाई नीरज और विनीत और उनकी माँ ब्रिजवती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 आरोपी मामा फरार है। उक्त मामले में संभल के पुलिस कप्तान कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने ही नाबालिग की हत्या की थी, जिसमें परिजन खुद घटना की साजिश में शामिल थे। उक्त मामले में मां व 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि घटना में शामिल 1 आरोपी अब भी फरार है। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कप्तान कृष्ण कुमार, जरा आप भी सुन लीजिए। जनपद संभल के थाना केला देवी क्षेत्र में 18 और 19 की जो मध्य रात्रि थी, उस समय पुलिस को एक सूचना मिली कि एक 15-16 वर्षीय युवती है, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और उसके परिजन है वो मौके पे विलाप कर रहे हैं। यह सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया, सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और उसके बाद में इस घटना के सफल अनावरण के लिए 3 सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमें रवाना की गई। प्रथम दृष्टया उन्होंने जो तहरीर लिखवाई उसमें 2 नामजद उन्होंने 302 IPC का और बाद में BNS के जो है केसेस के आधार पर उन्होंने मुकदमा लिखवाया। पुलिस ने सर्वप्रथम उन 2 जो अभियुक्त नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में उन दोनों लोगों का मौके पर नहीं होना पाया गया। उसके बाद में अग्रेतर विवेचना में सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमों द्वारा ये पता किया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति है वो यहाँ आया और बाद में उस घटना कारित करने के बाद चले गए हैं। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ये रिवील हुआ कि इस घटना में ये लोग, इसके परिवार के लोग, जिसमें गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल नाम की जगह पे रहते हैं, पिछले कई सालों से वहां पे रह रहे हैं, इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इस लड़की है इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी। इसमें फिर 18 तारीख की शाम के समय माँ ने अपनी बेटी को वहां से बस में बैठा के लाती है, काफी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बैठा के लेके जाता है और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में उसके सीने में 2 गोली मारता है और उसके बाद में मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है और गाजियाबाद चला जाता है। इस पूरी घटना का सफल अनावरण जो है हमारे थाना केला देवी पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है उसका घटना उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीजें हैं वो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेज हैं वो पुलिस को प्राप्त हुआ है और एक घटना का सफल अनावरण है वो पुलिस द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं मेरी जो सर्विलांस टीम है और जो सीसीटीवी की टीम है थाने की उन सभी को 15,000 रुपए का इनाम की भी घोषणा करता हूँ। सर, हत्या के पीछे से मुख्य कारण जो है सर क्या आरोपियों ने किया? पूछताछ में इसके जो भाई हैं विनीत और नीरज और इसकी माँ, इन द्वारा बताया गया कि लड़की का चाल चलन उनको ठीक नहीं लगता था
और काफी समझाने के बाद जब वो नहीं मानी तो इसी वजह से परिवार के सभी सदस्यों ने मिलके उसकी उसका जो है मर्डर करने का प्लानिंग बनाया था। तो सर ये क्या पहले वाले जो सर आरोपी थे दुष्कर्म के, सर केवल उनको फंसाना चाहते थे इसलिए सर उनके नाम सर? ये एक सोची समझी साजिश थी इनकी, जिसके तहत ये चाहते थे कि पुलिस को जो दो जो अभियुक्त नामजद हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और इन्होंने विभिन्न प्रेशर ग्रुप से भी और यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए ताकि पुलिस पे अनायास प्रेशर बना के जो नामजद अभियुक्त हैं ये लोग जेल चले जाएं। लेकिन पुलिस ने बिना किसी के दबाव में आए एकदम मेरिट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का एक सफल अनावरण किया गया है, जिसमें तीन अभियुक्त आज जेल जा रहे हैं, जिसमें दो सगे भाई और उनकी माँ और माँ का जो भाई मामा है वो अभी भी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।